भैया अनबॉक्सिंग कर रहा है, देखते हैं इसके अंदर क्या है। घटिया घटिया घटिया। गौर से देखें मच्छर, ये डेंगू का है कि मलेरिया का है, मतलब साइज में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? सो अभी मैं नहा धो चुकी हूँ एकदम फटाफट। आज मैंने इतनी जल्दी जल्दी अपना सारा काम खत्म किया है। सो आज मैं टाइम से मैंने नहा लिया है। सो मैं ब्रेकफास्ट अपना बनाने जा रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ उपमा और चाय साथ में। सो बनाते हैं, खाते हैं और फिर बच्चों का तब तक हो जाएगा टाइम, तो मुझे बच्चों को भी लेने जाना होगा। तो मैं फटाफट से उपमा बनाती हूँ। मैंने चढ़ा दी है और इधर बन रही है मेरी चाय, ऑलमोस्ट बन चुकी है, तो मैं इसको कर देती हूँ बंद। और ये मैंने प्याज काटा हुआ है, ये करी पत्ता है, एक मिर्च है और थोड़ी सी राई है, और ये है हमारी सूजी। तो मैं बनाना शुरू करती हूँ। उपमा और ये रही चाय। मैं हो गई हूँ रेडी, मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, बालों में कंघी वैसे मैंने की नहीं है। और चेरी परेशान है, चेरी सोचे मैं उसको बाहर लेके जा रही हूँ, बट ऐसा नहीं है, चेरी एकदम पागल हुई पड़ी है। तो मैं चलती हूँ, अब अभी मुझे फेस का अपना कवर करना है और फिर हम निकलेंगे बच्चों को लेने के लिए। उनका छुट्टी का टाइम हो गया है ऑलरेडी, मुझे लगता है मैं लेट हूँ। तो मिलती हूँ आप सबसे आने के बाद। सैंडविच बना के देना। अच्छा, मेरा मत बना। सैंडविच के लिए मेयोनीज लाओ, फिर मेयोनीज नहीं है। सैंडविच मुझे घर में बना के दे देना, क्योंकि कल आर्ट का पेपर है, कल भी टाइम लगेगा। कल भी तुम्हारे पास टाइम नहीं रहेगा। तो हम आ गए हैं भैया को लेकर, बेटू को लेकर के, और चेहरी पागल हो गई है। बहुत तेज धूप है भाई, दिमाग खराब कर रहा है। तो मैंने अभी पहन रखे हैं इनको, मैं सब उतार देती हूँ और फिर हम लाए हैं। मिर्चे की बस लग रही है, हम लाए लाए माजा। तो कपड़े क्यों नहीं पहन रहे हो हैं? टी शर्ट डालो जल्दी से। छोटकू मैगी नहीं बनेगी, खाना खाया जाएगा, दाल रोटी सब्जी नहीं। चलो नहीं, मैगी नहीं बनेगा, चलो मैगी शाम को खाना, अभी खाना खाया जाएगा, खाने का टाइम है। तो मैंने चेंज कर लिया है कपड़े और अब हम बैठेंगे थोड़ी देर, क्योंकि सुबह से हो गया मुझे भागते भागते काम करते करते। जब से सुबह से मैं उठती हूँ ना, तो फिर मुझे एक मिनट का टाइम नहीं मिलता बैठने। मम्मी बना लूं। जब बच्चे घर आ जाते हैं तब मैं फ्री होकर बैठती हूँ। तो अब मैं थोड़ी देर बैठूंगी, उसके बाद बनेगी सब्जी रखी सुबह जो बनाई थी बच्चों के लिए, वो रखी हुई है। तो मुझे दाल में बना गई थी, तो बच्चे शादी खाएंगे, मैं अपने लिए छौंक लूँगी। और दही लाई हूँ, तो दही का मैं बना लूँगी अपने लिए रायता। तो रायता हो जाएगा और दाल में हींग और जीरे का मैं छौंका लगा के फिर हम लोग खा लेंगे खाना। बट भैया कह रहा है मैगी खानी है, मैगी अभी नहीं खानी। मैगी खाओगे तो फिर खाने का। यार तुम किस चीज़ के राग अलापती रहती हो यार, दिमाग खराब कर दिया है। इसको गेट खोल के बाहर कर दो, उसको बाहर जाना है, गेट खोल दो, बाहर जाती हूँ, घूम के खुद आ जाएगी। खाना खाओगे, मैगी नहीं खाओगे अभी? नहीं तुम दोनों नहीं, पहले खाना खाओगे उसके बाद उसको जाओ बाहर छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं वो आफत मचा देगी। अब मैं थोड़ी देर बैठूंगी फिर बनाऊंगी खाना। सुबह से हो गया मुझे भागते भागते, जाओ ले जाओ, छोड़ देना गेट थोड़ा खुला, छोड़ देना तो आ जाएगी खुद ही घूम के अपने मन से। तो भैया गया चेरी को लेके बाहर, बहुत बदमाश है। मम्मी, क्या ऑर्डर? हाँ वो पापा ने किया था ना, वही आया होगा। ऑर्डर आया है, मैं ले लेती हूँ। जो पार्सल आया है वो बच्चों के लिए स्पेशल आया है। सो भैया खोल के देख रहा है कि उसके लिए स्पेशल क्या मंगाया गया है पापा के द्वारा उनके। तो उसकी अनबॉक्सिंग हो रही है। थोड़ा
अच्छा मैं गंदा ऑर्डर करती हूँ। तो देखते हैं भैया अनबॉक्सिंग कर रहा है, भैया अनबॉक्सिंग कर रहा है, देखते हैं इसके अंदर क्या है। घटिया घटिया घटिया। जो चीज़ भैया को बिल्कुल भी पसंद नहीं है वही चीज़ निकली है इसके। पापा अच्छा ऑर्डर करते हैं ना, देखो कितनी अच्छी चीज़ पापा ने ऑर्डर की। मुझे नहीं पसंद आया। वो भी 1 kg नहीं है, 2 kg। डाबर च्यवनप्राश, जो कि भैया खाएगा। अभी तो दूसरा टेस्ट का है। कौन सा टेस्ट है? आंवले। आंवला वाला, वही वाला तो है जो है। अच्छा, हम लोग वही खाते हैं। हाँ वही खाते हो। सो बच्चों के लिए आ गया है च्यवनप्राश आ गया है, और भैया को बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि, पर अब भैया को खाना पड़ेगा। गौर से देखें ये मच्छर, ये डेंगू का है कि मलेरिया का है? मतलब साइज में कुछ ज़्यादा ही बड़ा मच्छर है ये, उड़ के आ रहा था, मैंने पकड़ लिया इसको, बेचारे की पॉटी निकल गई है। सो अभी टाइम हो रहा है मैं चाय का, सो चाय मैंने ऑलरेडी पी लिया थी, क्योंकि बेटू भैया से सुन रही थी उसका पेपर है ना कल जीके का, तो इसलिए मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने कहा डिस्टर्ब हो जाएगा इनको। और ये भैया ने फैला के रखा हुआ पूरे टेबल पे, वो भी फैला जो सुनते सुनते फैला दिया पूरा, ये पेजेस फाड़ दिए, पूरा फैला के रखा हुआ है इसने। ये मच्छर जो है ना, मैं पहले चश्मा हटा लेती हूँ, चमक रहा है। ये मच्छर जो है उड़ते हुए अचानक से, मैं यहीं पे सोफे पे बैठी हुई थी, अलग से मतलब मच्छर अच्छर अंदर आ जाते हैं पता नहीं चलता है, बट ये मच्छर जब आ रहा था ना अंदर, मतलब स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस लेके जो लोग आते हैं ना दिखते हैं अलग से भीड़ में, तो ये उसी तरह था, मतलब आया है तो मुझे स्पेशली दिख रहा था कि आ रहा है मच्छर, तो मैंने उसको हाथ में ऐसे पकड़ लिया, और साइज़ में बड़ा था, पकड़ गया हाथ में मेरे, तो पता नहीं ये डेंगू का है कि मलेरिया का है पता नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा मच्छर है ये, इतना बड़ा मच्छर मैंने नहीं देखा अभी तक, डेंगू या मलेरिया का ही मैंने देखा है। सो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसको मैंने, क्योंकि हमारे घर के आसपास अभी रोड बनी नहीं है, नालियाँ बनी नहीं है, तो पानी सब इधर उधर बढ़ता है लोगों का निकल के घर घर का, तो हो सकता है उसमें से, वैसे मच्छर तो पानी गंदे पानियों में ही होते हैं ना, तो वहीं का होगा, क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही है ना, तो गर्मियों में तो भाई मच्छर तो भयानक वाले होते हैं, तो शाम से ही दरवाजे बंद कर देने पड़ते हैं, नहीं तो फिर अंदर मच्छर भर जाते हैं ना, फिर बैठ नहीं सकते। मम्मी इसको बेटा तुम पढ़ाई करनी, तुम्हारी डंडे से हम पिटाई लगा देंगे। कितनी शर्म की बात होगी कि तुम 4th में फेल हो रहे हो, अपने बच्चों को क्या कहानियाँ सुनाओगे कि बच्चों मैं 4th में फेल हुआ था। मैं ना गेट में लॉक लगाने जा रही थी, तो मुझे दिखा बाहर चांद, इतना मतलब अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, एकदम बारीक सा, एकदम पतला सा निकला हुआ एकदम। चेरी हमारी कुछ इस तरह सोती है रात में लेट के, ये आप देख सकते हो इसको, और साथ में आप भैया के जूते भी देख सकते हैं जो इन्होंने स्कूल से आने के बाद रखे नहीं हैं, उठा के उतार के फेंक दिए हैं, और चेरी आराम से सो रही है टांगे फैला फैला के 3 घंटे से बिना जगे। भैया ने उसकी नींद डिस्टर्ब कर दी, वो भी सो जाएगी, सो टाइम नहीं लगता। तो चलो तुम लोग भी सो जाओ, टाइम बहुत हो गया है। नहीं फिर लाइट बंद करो, चलो बस हो गया। मम्मी दिखाओ मेरा। भैया पाषाण काल में जी रहे हैं, उन्होंने अपने वेपन्स बनाए हैं जो पाषाण काल में यूज किए जाते थे एंशियंट टाइम पे। गधे रुक जाओ। इसी के साथ आज के व्लॉग को मैं करती हूँ एंड, मिलती हूँ आप सबसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। सोते हैं क्योंकि रात हो गई है काफ़ी ज़्यादा, और सुबह हमें उठना है, सो बाय बाय, गुड नाइट।